सबसे लेंगे तो फिर कैसे पार पड़ेगी, आपसे अप्रूवल लेके बनाएंगे तो कैसे पार पड़ेगी, वो तो जो सत्ता संगठन को ठीक लगा। मैंने किसी व्यक्ति विशेष के लिए या इन्हीं बात मैं समझ रहा हूँ, और ना किसी जिला विशेष के लिए, मुझे लगा कि पिछले 30 साल में राजस्थान में एक परंपरा बन गई है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, इस परंपरा को तोड़ना कोई चमत्कार नहीं है, टूट सकती है, टूटेगी। उस परंपरा को तोड़ने के लिए हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, और अलग का मतलब इतना ही है कि जिन लोगों को मेहनत और योगदान रहा उनको हम रिकग्नाइज करें। मैंने कहा हर एक को पद भी नहीं मिल सकता ना, पद भी नहीं चाहिए, सम्मान सत्कार और एक इज्जत और भागीदारी, ये तो इस पर कोई ना खर्चा है ना कोई घोड़ा गाड़ी देनी पड़ती किसी को, वो मिल रहा है। अभी सुनो, पिछले 8-10 महीने में सही दिशा में सही कदम उठे हैं, नियुक्तियाँ भी की हैं, लोगों को इन्वॉल्व भी किया है, अब अध्यक्ष अध्यक्ष भी घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री भी लोगों से मिल रहे हैं, हम लोग भी मिल रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य इतना था कि मेरा अनुभव 6 साल का रहा एज अध्यक्ष, कांग्रेस के कार्यकर्ता हर गाँव हर ढाणी में हर नगर मोहल्ले में है, उसको सिर्फ पहचानना, उसके पीठ पर हाथ रखना, उसके दुख सुख में शामिल रहना, और सरकार में प्रशासन के लोगों को लगना चाहिए ये हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं तो उनको मान सम्मान मिले, और जो वाजिब मांगे हैं कार्यकर्ता की पब्लिक के लिए वो उसके माध्यम से पूरी हो। इसमें कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, लेकिन शायद कहीं पहले कमी रही होगी, तभी तो 20 सीट पर आ गए थे भाई। योजना में वही योजना है, वही बजट होते हैं, वही टैक्स है, वही सब कुछ है, लेकिन काम करने का तरीका और जनता तक पहुँचने का जो माध्यम है उसमें थोड़ा परिवर्तन अगर होगा और कार्यशैली में परिवर्तन होगा, वन वे की जगह टू वे होगा, तो लोग अपने आप को महसूस करेंगे हम इससे सम्मिलित हैं, और इतना जो उस कार्यकर्ता में आ जाएगा फिर हम लोग अपने आप चुनाव जीत जाएंगे। भाई उस संघर्ष का फल भी निकल रहा है ना, उसमें लोगों को हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, थोड़ा समय लगा मैं मानता हूँ, मैं इसको कहने मुझे कोई संकोच नहीं है कि समय ज़ाहिर हुआ, ये अवॉइड कर सकते थे, पहले हो जाता तो और लोगों को मौके मिल जाते। खैर अब जो हो गया सो हो गया, बजट अभी आया हुआ था, इस कोरोना काल में सारे प्रोग्राम डिले हो गए 2-4-6 महीने के लिए, लेकिन जब घोषणा हो चुकी है, सरकार की घोषणा कोई मजाक तो है नहीं, वो पूरी गंभीरता से घोषणा की है, पैसा भी आएगा, आवंटन भी होगा, और बहुत जल्द मैंने कहा कलेक्टर साहब को रिपोर्ट जा चुकी है, काम जल्दी चालू करा देंगे। विधायक महोदय, टोंक बिजली के अंदर इतना बुरा हाल है, 2 दिन से चक्रागति का नाला वाला क्षेत्र पास होता है, वहाँ पर पूरा शेयर बता रहा हूँ, उसी में एक ट्रांसफार्मर को उन्होंने 15 जगह बांट रखा है, 2 दिन से लाइट बुले, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है लाइट की, जयपुर से 2 दिन से आने वाली जो मशीन आई थी वो टोंक नहीं पहुँची, इसकी भी ज़्यादा खराब है, ऊपर मैंने दोनों बातें बोली सुनी मेरी बात, अभी क्या है कटाई का समय चल रहा है, अब आने वाला समय गर्मी का है, तो मैंने जिला कलेक्टर को बोला है कि तत्काल एक मीटिंग लें पानी की सप्लाई की और बिजली की सप्लाई की, और एक प्लानिंग बनाएं कंटिजेंसी प्लानिंग अगले 3 महीने की, क्योंकि अभी हम प्लानिंग करेंगे तब जाके मई जून में बहुत गर्मी आती है, हर साल आती है, इसलिए मैंने कहा अभी से ही आप इसकी प्लानिंग करें, मीटिंग बुलाएंगे बहुत जल्दी, और जो संसाधन चाहिए पानी आपूर्ति के लिए और बिजली के लिए, GSS है, ट्रांसफार्मर्स है, उसकी कार्य योजना आज बना लें, ताकि जो अगले 3 महीने हैं उसमें लोगों को ज़्यादा दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आज ही बोला उसको किसान नहीं कर रहे, मैं भी कर रहा हूँ मांग, प्रशासनिक जानकारी में है, प्रक्रियाधीन है, लेकिन जो भी काम पुलिस करती है वो प्रक्रिया के माध्यम से करना पड़ेगा, उन्होंने काम चालू कर दिया है, और कहीं भी अगर अवैध कोई काम हो रहा है उसको रोकने के लिए मैंने निर्देशित कर रखा है, जो हमारे नए SP साहब आए हैं मैंने बता दिया उनको, जो भी अवैध काम है उस पर प्रक्रिया के आधार पर आप काम करें और दोषियों को सज़ा मिलेगी, और जो भी अवैध कब्जा है उसको हम खाली करवाएंगे, खासकर जो शहर वाले इलाके। आप इस बात को जानते हैं कि भारतीय रेल राज्य सरकार सिर्फ सहयोग कर सकती है, भारतीय रेल भारत सरकार का एक डिपार्टमेंट है, और ये जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, मैं केंद्र में मंत्री था, तब भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन के माध्यम से रेल मंत्री ने सदन के पटन पर कहा था हम इस रेलवे लाइन को बनाएंगे। अब मुझे दुख इस बात का है कि 8 साल से जो सरकार बदली है वो इस पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं कर रही है, मैंने कई बार इस बात को उठाया भी है, लेकिन जैसा मैंने कहा अगर ये प्रदेश सरकार का कोई डिपार्टमेंट या महकमा होता तो हम इसको हमारी सरकार है 3 साल से भाई, लेकिन अब रेल और एयरपोर्ट ये तो केंद्र सरकार के माध्यम से ही बन सकते हैं, लेकिन हम पूरी ताकत लगाए हुए हैं उसमें कि केंद्र सरकार को मजबूर करें इस काम को करवाएं। साहब दो बार कह चुके हैं
अगर राजस्थान की सरकार एग्जिट पोल हमेशा सही आए ऐसा नहीं रहा, हमें कल तक इंतजार करना चाहिए। लेकिन याद रखें कि 32 साल के बाद कांग्रेस पार्टी पहली बार 400 सीट पर चुनाव लड़ रही है। हमेशा हम कम सीट पर लड़ते थे, इस बार मैंने देखा है माहौल कि जमीन धरातल पर कांग्रेस कार्यकर्ता आज इकट्ठा हुआ है, चुनाव 400 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा वोट प्रतिशत बढ़ेगा, हमारा परफॉर्मेंस पहले से बेहतर रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह कि आज जिन सीटों पर हमने कई सालों तक चुनाव नहीं लड़ा, जहाँ पर कांग्रेस झंडा नहीं रहता था, आज वहाँ पर हम लोग खड़े हैं। और प्रियंका जी ने लगभग 300 से ज़्यादा मीटिंग करी है, हम सब ने वहाँ पर अपना योगदान दिया है। तो मुझे लगता है कोई भी मेहनत व्यर्थ नहीं जाती है, लोग उसको समझ रहे हैं कि चुनौती देने वाले हम लोग थे। वो ठीक है, सपा बसपा यूपी में बड़ी पार्टियां हैं, लेकिन सपा बसपा की सरकार लोग पहले दिख चुके हैं, तो बदलाव होगा उसका, आगे आने वाले समय में राजनीतिक संकेत भी उसके मिलेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का मैं इतना कह सकता हूं कि प्रियंका जी ने मेहनत में कोई कमी छोड़ी नहीं, और सच्चे मन से, और आज से नहीं तीन साल से मायावती जी, अखिलेश जी कहाँ थे भाई, मुझे तो दिखे नहीं यूपी में कहीं पर भी। तो जो राजनीतिक संघर्ष था वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, 18,000 हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता जेलों में गए हैं, तो संघर्ष हम लोग कर रहे हैं।